एस न्यूज। बलरामपुर के तुलसीपुर में नगर को पेयजल की आपूर्ति करने वाले दो नलकूपों का स्तर नीचे चले जाने के कारण पानी आपूर्ति बंद हो गई है। एक नलकूप पुरानी व एक नई बाजार का बंद हो जाने से नगर पंचायत कर्मियों के हाथ पांव फूल गए हैं। लगभग 50,000 की आबादी को पेयजल के लिए केवल दो नलकूपों पर निर्भरता बढ़ जाने के साथ ही लोगों में बेचैनी भी है। महीनों से बारिश न होने एवं भीषण गर्मी के चलते भूजल स्तर नीचे गिर जाने से नलकूप सूख रहे हैं। बाकी बचे दो नलकूपों का स्तर भी नीचे जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा जलापूर्ति के विकल्प के लिए लगे कुल 70 हैंडपंपों में से लगभग 35 हैंडपंप सूख चुके हैं, जिससे और भी पेयजल संकट गहराने लगा है। तहसील परिसर में पहले से पेयजल संकट अब और बढ़ गया है। यहाँ एकमात्र हैंडपंप से समूचे परिसर की प्यास किसी तरह बुझाई जा रही है। बाजार निवासी दिलीप गुप्ता का कहना है कि पेयजल संकट के लिए तत्काल प्रयास होने चाहिए, यदि यही हाल रहा तो पानी के लिए लोग इधर उधर भटकते नजर आएंगे। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू ने बताया कि सूखते नलकूपों की जानकारी जल निगम को दे दी गई है। उन्हें पत्र के माध्यम से तुरंत कार्यवाही किए जाने की अपील भी की गई है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ी तो टैंकर के माध्यम से मोहल्लों में जल आपूर्ति की जाएगी।